हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है तो ये लोग क्यों अपने मोबाइल से 3.5 mm के जैक को हटा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं एक प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरा जो फोन है ये J7 का फोन है। तो मैं इस फोन को करीब करीब 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया क्या है कि जो हमारा हेडफोन का जो स्लॉट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं हेडफोन को कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे हेडफोन ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक कान में साउंड आ रहा है, दूसरे कान में साउंड नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें अंदर जो गोल्ड प्लेटिंग रहता है, जो गोल्ड कोटिंग जो प्लेटेड प्लेट्स है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो गोल्ड प्लेट्स है वो खत्म हो गया है, गोल्ड कोटिंग। तो क्या हो रहा है कि अब मैं जब उसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे शायद कार्बन जम गया हो या फिर मॉइस्चर जम गया हो, इस वजह से ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात होती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वाटेज का ट्रांजेक्शन होता है इस तरह से, यहाँ से जब सिग्नल निकलता है तो क्या होता है कि ज्यादा वाटेज की ट्रांजेक्शन की वजह से अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे कनेक्शन लूज होता है तो उस जगह गर्म होने लग जाता है। तो क्या होता है कि आपका जो कान में जो साउंड आ रहा है वो ठीक से नहीं आ पाता, काफी वहाँ पे बहुत सारे उल्टा सीधा नॉइज आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा हेडफोन है वहाँ पे 10 वाट का हेडफोन आपको देखने को मिल जाता है, 5 वाट का हेडफोन मिल जाता है आपको दोनों कान में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाटेज ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो गर्म होने का प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसीलिए जो कंपनीज है उन्होंने क्या किया कि यहाँ से 3.5 mm जैक को ही पूरी तरह से हटा दिया। अगर आप अपना जो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है वहां से भी अगर आप इस तरह के काम कर लेते हो, आप हेडफोन यूज करते हो, तो क्या बेनिफिट है आपको कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है सिग्नल का वो डिजिटल सिग्नल में होता है, वो एनालॉग सिग्नल में ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो अगर डिजिटल सिग्नल में ट्रांजेक्शन होता है तो डिजिटल सिग्नल में आपको पता ही है कि वहाँ पे ज्यादा एम्पियर नहीं होता, ज्यादा वाटेज नहीं होता डिजिटल सिग्नल का, वहाँ पे सिर्फ 0 और 1 में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो जब 0 और 1 में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे कार्बन वगैरह जम जाता है या फिर मॉइस्चर वगैरह जम जाता है, तो अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे गर्म नहीं होगा। क्योंकि अगर गर्म नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए शायद कंपनी ने क्या किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वहां से 3.5 mm जैक को ही हटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ से कनेक्ट करते हो तो यहाँ से आपका सिग्नल निकलेगा, डिजिटल सिग्नल निकलेगा, फिर अपने हेडफोन में जाएगा। हेडफोन में एक ऐसा सर्किट रहता है जो उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि अगर आपके पास एक 3.5 mm का अच्छा खासा हेडफोन है, बहुत अच्छा क्वालिटी का हेडफोन है, तो अगर आप वहाँ पे एक 10 रुपए वाले या फिर 20 रुपए वाले एक कनेक्टर को लगा देते हो जो कि उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो आप उस हेडफोन से कभी भी अच्छा साउंड का एक्सपेक्ट मत कीजिए। जहां से आप यहाँ पे माइक्रो यूएसबी से 3.5 mm जैक का जो कन्वर्टर ले रहे हो, कन्वर्टर में जो सर्किट है उसे महंगा होना जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यहाँ पे क्वालिटी खराब होता है तो आपको जो साउंड मिलेगा वो थर्ड क्लास साउंड मिलेगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैन्युफैक्चरर्स ऐसा करते हैं। एक और चीज हो सकता है मार्केटिंग, जो एप्पल करता है, एप्पल का शायद मार्केटिंग ही होगा क्योंकि उन लोगों का जो हेडफोन है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ऐसा क्वालिटी शायद और कोई नहीं देता, पता नहीं हम अब क्या करते हैं वो लोग, क्यों सोचते हैं ऐसा। पर ये चीज का कारण, मेन कारण जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर से एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई सवाल रह गया उस चीज से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं उसको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि मैं इस तरह के टेक्निकल वीडियोस लेकर रोज आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।